तो दोस्तों अब देखिए, ये जो पैकेटिंग है, ये पैकेटिंग का अंदर इस तरह चाइना पे से भी मिलता है। जो सीआरटी चाइना लोकल किड मार्केट का अंदर आ गया, बहुत अलग अलग कंपनी है। तो इस तरह मेरा पास, मैं अलग अलग टाइम अलग अलग पीसीबी खरीद किया, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कितना कंपनी का पीसीबी मैं यूज़ किया। ये भी एक कंपनी का है और ये भी एक कंपनी है। और दोस्तों ये ब्लैंक, ये जो पैकेटिंग, इसका अंदर भी पीसीबी मिलता है। दोस्तों मेरा पास बहुत सारा पीसीबी है। देखिए, ये एक कंपनी है, ये अलग से कंपनी है, ये अलग से कंपनी, ये भी अलग से कंपनी है। तो ये जो अलग अलग कंपनी आपको दिखा, तो अच्छा करके देखिए। तो ये भी जो अलग अलग कंपनी, ये बहुत जगह पर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका पास इस तरह कुछ भी कंपनी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा बॉक्स का अंदर, कौन सा कंपनी का पैकेटिंग का अंदर जो पीसीबी है वो सबसे बेटर है और सबसे अच्छा है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा हिसाब से मैं आपको कुछ भी कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, बस आपको मैं जो बताऊँगा कि कौन सा पीसीबी बेस्ट है, आपको कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा सीआरटी पीसीबी बेस्ट और अच्छा क्वालिटी वाला पीसीबी होता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। आप ये वीडियो से लास्ट तक वॉच करेगा तो आपको अलग से नॉलेज मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा दोस्तों हूँ। देख सकते हो मेरा पास सीआरटी टीवी का जो मार्केट चाइना चैसिस है, जो लोकल किट कहा जाता है, मेरा पास दो चैसिस है। तो दोस्तों ये ओल्ड पुराना वाला चैसिस है और दोस्तों ये न्यू चैसिस है। तो बहुत दोस्त का जो कमेंट मैं देखा कि कमेंट का अंदर बताता है कि सर मार्केट का अंदर जो चैसिस देखा जाता है, बहुत कुछ कंपनी मार्केट पर आ गया, तो कौन कंपनी का चैसिस अच्छा है। तो दोस्तों आपको कंपनी नाम नहीं बताऊंगा सॉरी, क्योंकि कंपनी नाम देखने का बाद चैसिस का क्वालिटी पता करना और इस तरह बताना मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी कंपनी के ऐड नहीं देता हूं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप नॉर्मल आपका दिमाग से पीसीबी देखने के बाद कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा पीसीबी बेटर है, कौन सा पीसीबी अच्छा होगा, ये आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल ट्रिक है, देखने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पीसीबी बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को। फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो पुराना वाला चैसिस है। तो आप देखिए ये चैसिस सेम टाइप ही चैसिस है, सेम जैसा सब कुछ है, बट इसका चॉपर मैं ओपन करके काम किया, इसका चॉपर सेम नहीं है, बस इसका अंदर सब कुछ है। और ये जो न्यू चैसिस है, इसका अंदर दोस्तों चॉपर है, तो ये न्यू चैसिस, तो इसका अंदर भी सब कुछ है। तो इसका फर्क आप क्या देख रहे हो, दोनों चैसिस आपका पास मैं रखा है, तो रखने के बाद अभी खुद ही पता कीजिए कि इसका अंदर कौन सा फर्क ज़्यादातर नज़र में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देखने के बाद जो फर्स्ट नज़र में आएगा कि ये चैसिस का जो हीट सिंक है, ये हीट सिंक देखिए एक पतला वाला हीट सिंक है, बार दोस्ती ये बड़ा साइज का हीट सिंक है। तो ये हीट सिंक और ये चैसिस का हीट सिंक देखिए, तो दोस्तों ये बहुत मोटा वाला हीट सिंक है। तो ये हीट सिंक देखने के बाद आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इसका हीट सिंक ये चैसिस से बहुत ही अच्छा जो हीट, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को ये कूल कर सकता है, ठीक है। ये टेम्परेचर को कूल कर सकता है कि ये मोटा वाला हीट सिंक। तो ये तो एक बात हो गया नॉर्मल नज़र से, बट दोस्तों ये साउंड आईसी का जो हीट सिंक है, ये नॉर्मल सा हीट सिंक है और इसका अंदर भी सेम टाइप हीट सिंक है। तो ये तो फर्स्ट चीज देखने के बाद ही आप पता कर सकते हो। और उसके बाद ये जो चैसिस है, ये चैसिस का अंदर देखिए कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर थोड़ा बड़ा लग रहा है। और ये चैसिस के अंदर जो कैपेसिटर देखिए, इसका साइज बड़ा नहीं है, बट ये लंबा टाइप, ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ से छोटा भी कैपेसिटर हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ आपका नज़र में फर्स्ट टाइम ही आ जाएगा। ये देखने के बाद आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पीसीबी बेटर होगा। इसका मतलब मैं जो बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटर, ये देखिए इसका अंदर जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज वैल्यू कितना है आप अच्छा करके देखिए, ये 150 माइक्रोफेरेट का और देखिए 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी का ऊपर भी डिपेंडेड है, ये किल्टन होगा तो मार्केट का अंदर सबसे जो हाई रेट और क्वालिटी भी अच्छा माना जाता है तो किल्टन का होता है, बट दोस्तों अलग कंपनी सा है। और किल्टन होगा तो ये कैपेसिटर लगाने के बाद भी पीसीबी का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये 450 वोल्ट का कैपेसिटर, वोल्टेज का ऊपर भी इसका प्राइस डिपेंडेड है। तो ये 450 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, चलिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, इसका वोल्टेज वैल्यू कितना है।
तो दोस्तों ये कैपेसिटर का वोल्टेज वैल्यू देखिए 500 वोल्ट का वोल्ट 500 वोल्ट वोल्टेज वैल्यू है, और इसका माइक्रो फैराड देखिए 150 माइक्रो फैराड इसका कैपेसिटर जो माइक्रो फैराड है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर ये 150 वाट दोस्तों, इसका वोल्टेज वैल्यू 50 वोल्ट कम है, तो वोल्टेज वैल्यू के ऊपर जो कैपेसिटर का प्राइस ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी हीट सिंक का ऊपर भी इसका क्वालिटी अच्छा है, कैपेसिटर का क्वालिटी का ऊपर इसका पीसीबी अच्छा है यहाँ से। बट दोस्तों सॉरी, इसका कैपेसिटर क्वालिटी अच्छा है ये पीसीबी से। तो इस तरह आपको कंपेयर करना पड़ेगा जो पीसीबी का अंदर जो मटेरियल है वो सबसे अच्छा क्वालिटी वाला, बेटर क्वालिटी वाला कौन सा पार्ट्स देखा जाता है। और उसका बाद जो नज़र में आपको आएगा कि जो ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई होगा, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है, तो ये भी ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है। और दोस्तों एसटीआर पावर सप्लाई होगा, तो यहाँ पर एसटीआर होगा तो इसका रेट भी थोड़ा हाई होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि ये जो पावर सेक्शन का अंदर जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर देखा जाता है, इसका अंदर आप फॉलो करें तो कि देखिए यहाँ पर तीन चार नंबर के ऊपर ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का ऊपर भी नंबर का ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि इतना कितना हाई क्वालिटी का ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। और उसका बाद कि दोस्तों देखिए जो हॉरिजेंटल सेक्शन होता है, ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन है इसका अंदर देखिए दो, ये एक बूस्ट पीएफ है और एक 400 वोल्ट और 250 वोल्ट का पीएफ हो सकता है। इसका ऊपर भी डिपेंडेड है इसका हॉरिजेंटल सेक्शन कितना स्ट्रांग है। बट दोस्तों ये पीसीबी का अंदर, ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन का अंदर देखिए तीनों बड़ा बड़ा पीएफ है, यह से भी आप डिपेंड कर सकता है कि ये कर सकते हो कि इसका पीसीबी का जो हॉरिजेंटल सेक्शन कितना स्ट्रांग है। उसका बाद आता है कि ईएसटी का जो कंपनी, ये सभी ईएसटी 1010 का 1010 1040 1414 इस तरह ईएसटी देखा जाता है चाइना पीसीबी का अंदर। बट ईएसटी का स्टिकर का ऊपर जो ईएसटी का कंपनी होता है उसका ऊपर भी डिपेंडेड है कौन सा ईएसटी बेटर क्वालिटी मार्केट का अंदर। तो दोस्तों ये बहुत क्या बताऊंगा आपको, मैं ईएसटी के ऊपर जो जितना वीडियो मैं बनाया सबका अंदर मैं बहुत वीडियो का अंदर मैं बताया है कि कौन सा कंपनी बेटर होता है, जो प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाने का समय मैं आपको दिखाया, ठीक है। तो वो देखने के बाद पता चलता है, ठीक है। और दोस्तों ये सब नॉर्मल चीज़ देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और उसका बाद ये पीसीबी के साथ सब कुछ मिलता है, मतलब एसी कॉर्ड मिलता है, ये डिगोसिंग कॉयल नहीं मिलता है क्योंकि पिक्चर ट्यूब का अंदर रहता है, ठीक है, डिगोसिंग कॉयल मिलता है। और दोस्तों ये जो पीटीसी देखिए काला वाला पीटीसी है, इसका रेट भी थोड़ा हाई है। और दोस्तों इसी तरह इसका अंदर देखिए एक पीटीसी है, तो दोस्तों ये पीटीसी का रेट थोड़ा कम है। यह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका अंदर कौन सा मटेरियल है, ठीक है। और उसका बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये पीसीबी के साथ सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, कि देखिए ये ए भी जो इनपुट पॉइंट है ये वन है, और एक जैक देखा जाता है इसका साथ एक्स्ट्रा एक कॉर्ड मिलता है, ये मिलता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। ये नहीं मिलेगा तो ये पीसीबी का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो और उसका साथ इसका जो ये वायर जो साउंड स्पीकर कनेक्शन का जो वायर ये मिलता है, बट दोस्तों पीसीबी के साथ स्पीकर नहीं मिलता है और योग नहीं मिलता है। पीसीबी के साथ आधार सब कुछ मिल जाता है इसका वायरिंग करने के लिए, ये जो पॉइंट है इसका अंदर जो वायर लगता है ये वायर सब कुछ मिलता है, एसी कॉर्ड मिलता है, स्विच भी मिल जाता है, और ये पीसीबी के साथ रिमोट भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो वायर आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये सब वायर कनेक्शन करने के लिए, और ये जो एसी कॉर्ड, ठीक है, ये सब कुछ मिल जाता है। तो ये नहीं मिलेगा तो प्राइस लो होगा, बट दोस्तों ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी जो आपको फर्स्ट बात है ये आपको देखना पड़ेगा, और उसका बाद आपको देखना पड़ेगा कि लगभग ये दोनों पीसी आप पीसीबी कंपेयर करेगा तो इसका अंदर जो फैसिलिटी बहुत कुछ है जो इसका अंदर नहीं है, बट इसका अंदर जो है इसका अंदर भी नहीं है। तो इस तरह आपको कंपेयर करके पीसीबी देखना पड़ेगा। तो दो चार पीसीबी देखने के बाद आपको खुद ही पता कर सकते हो कि कौन सा पीसीबी और बेटर है। बट दोस्तों ये नॉर्मल पीसीबी है, ये अल्ट्रा स्लिम चैसिस नहीं है। अल्ट्रा स्लिम चैसिस होगा तो इसका अंदर और बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जो मैं पहले बहुत दिन पहले एक वीडियो बना के दिखाया, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटा और चाकू लेके आप टेस्ट कर सकते हो कि ये जो पार्ट्स पीसीबी का अंदर है, तो ये जो पार्ट्स का जो टंग रहता है, ये मान लो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ठीक है, कुछ भी पार्ट्स हो सकता है इसका। ये जो टंग, ये जो जम्पर है, ये दोस्तों लोहे का होता है। तो ये आप छोटा चाकू लेके इस तरह करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोहे का है कि जो
कॉपर का है दोस्तों, कॉपर होगा तो ये पीसीबी का ऑल पार्ट्स का जो टंग ये कॉपर का होगा तो ये पीसीबी बहुत ही अच्छा क्वालिटी माना जाता है, ठीक है। अब मैग्नेट लेके भी टेस्ट कर सकते हो, इसका अंदर ये जो जम्पर है, ये जो अलग अलग रेजिस्टेंस देखा जाता है, जो लोड रेजिस्टेंस देखा जाता है, इसका अंदर मैग्नेट लेके टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैग्नेट कैच कर रहा है कि नहीं। मैग्नेट होगा तो दोस्ती ये लोहे के टांग होगा, तो लोहे का टांग क्या होगा, सल्फर के बजाय ये सब टांग टूट जाता है, ठीक है। बट दोस्तों जो कॉपर का होता है, जो तांबा का होता है, ये नहीं टूटता है, लॉन्ग टाइम चलता है, जिस तरह ब्रांडेड पीसीबी का अंदर मान लो एलजी चैसिस का अंदर जिस तरह देखा जाता है। दोस्तों एलजी चैसिस बहुत पुराना चैसिस है, बट दोस्तों अभी इसी टाइम एलजी चैसिस का कुछ भी सल्फर का बजाय कुछ भी टंग टूटा हुआ नज़र में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट पार्ट्स का जो अंदर वो ख़राब हो जाता है। और दोस्तों ये जो लोकल वाला किट बहुत सस्ता में मार्केट पर मिल रहा है, तो इसी का बजाय इसका पार्ट्स का जो टंग लोहे का काट दिया गया है, ठीक है। ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये देखने के बाद खुद ही आप पता कर सकते कि कौन सा पीसीबी बेटर क्वालिटी है। तो दोस्तों इसका अंदर जो ऑल कैपेसिटर देखिए, सब काला वाला कैपेसिटर है, बहुत अलग अलग कंपनी का कैपेसिटर मार्केट पर दिखा जाता है। इसका अंदर भी देखिए बहुत काला काला कैपेसिटर है, बट दोस्तों ये सब कैपेसिटर का कंपनी अलग है, ये सब कंपनी का कैपेसिटर अलग है। बट कौन सा कंपनी का कैपेसिटर अच्छा होता है ये भी आपका नॉलेज में आएगा तो तब भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा पीसीबी अच्छा होगा, क्योंकि कैपेसिटर अधिक यहाँ पर देखा जाता है। कैपेसिटर का टंग वो लोह का है कि तांबे का है, ये भी आप देखने के बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो अभी खुद ही पता कर सकते हो कि कैपेसिटर कौन सा कंपनी का बेटर है। बट दोस्तों आपको फर्स्ट ही बात है कि केल्टन होगा तो ऑल केल्टन कैपेसिटर का पीसीबी भी मार्केट पर मिलता है, वो सबसे बेटर क्वालिटी माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ये प्रोसेसर आईसी 88 नंबर से शुरू होता है, ठीक है। प्रोसेसर आईसी का जो नंबर 88 से शुरू होता है। आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैमरा पर क्लियर नहीं आ रहा है, तो 88 से शुरू होता है। और दोस्तों 88 का बाद लास्ट नंबर दोस्तों 6PR6 होगा तो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए फॉलो कीजिए कि ये आईसी का जो नंबर देखिए 88 से शुरू है, ठीक है। देखिए 88 से शुरू, इसका फर्स्ट नंबर 8873 और लास्ट नंबर देखिए 6PR6 है, ठीक है। ये लास्ट नंबर देखिए 6PR6 है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर ये जो प्रोसेसर आईसी, इस 6PR6 आईसी का प्राइस थोड़ा कम है, बट 6PR6 इसका लास्ट नंबर ये पोजीशन पर अलग कुछ नंबर मिलेगा तो वो आईसी का रेट थोड़ा हाई है, ये भी आपको नज़र में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जिस तरह ये पीसीबी का अंदर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका फर्स्ट नंबर देखिए 8895 से शुरू है और इसका लास्ट नंबर देखिए 7EP3। तो दोस्तों ये अलग सा नंबर है, ठीक है। बट दोस्तों ये सेम काम करेगा, ये आईसी सेम काम करेगा, बट ये आईसी का प्राइस थोड़ा हाई है। यह से भी आप पता कर सकते हो कि पीसीबी के अंदर कौन सा मटेरियल है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।